Hey there everyone, welcome back to my channel again. आज से हम start करेंगे अपने Jarvis की complete series, जिसके अंदर आप complete tutorial Jarvis को कैसे बनाना है, Jarvis के अंदर हम क्या क्या use करते हैं, साथ में ना सिर्फ हम कोड को copy paste करेंगे, in place of copy paste हम एक एक चीज़ को detailed में समझेंगे, ताकि आप customization करके खुद से ही अपना Jarvis मॉडिफाई कर सको, उसे और भी ज़्यादा अपग्रेडेबल बना सको और आप कोड को अच्छे तरीके से समझ सको। तो पहले पार्ट से ही मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको ना पाइथन आती है, ना ही आपने पाइथन का किसी भी तरह का कोई भी एनवायरनमेंट सेटअप करके रखा है। तो इस सीरीज़ को वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं जिन्हें पाइथन बिल्कुल भी नहीं आती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आपके पास कोई भी एक ब्राउज़र, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो उसे आपको ओपन कर लेना है। मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, साथ में ब्रेव ब्राउज़र भी यूज़ करता हूँ। यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें टाइप करना है, सबसे पहले हमें एक कंपाइलर चाहिए होगा, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को रन करने के लिए हमें एक कंपाइलर की नीड होती है, जो हमारे लिखे गए कोड को बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करता है और हेल्प करता है हमारे कंप्यूटर को हमारे कोड को समझने में, जिसकी वजह से वो प्रोसेस करके हमें एक आउटपुट शो करता है। सो सबसे पहले हम पाइथन टाइप करेंगे अपने क्रोम ब्राउज़र में और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा। यहाँ पे आपको पाइथन के ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे W3 स्कूल की तरफ से। मैंने ऑलरेडी इस पाइथन पे बहुत ही बेसिक सी सीरीज़ बना के रखी है, जिसमें मैंने एक चैटबॉट प्रोजेक्ट भी कराया है लास्ट में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में क्लिक करके देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लिक करना है यहाँ पे वेलकम टू python.org, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड में आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप कोई भी पाइथन का वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे एक लेटेस्ट वर्जन है जो कि है 3.11.4, आपका कोई और भी वर्जन हो सकता है, ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो 3.13 आ जाए या रिलीज़ हो जाए। तो इसके लिए आप यहाँ से सिंपली सारा प्रोसीजर सेम ही होता है, आपको डाउनलोड सेक्शन में क्लिक करके इसे डाउनलोड करना स्टार्ट कर लेना है। अब वेट करना है कि आपका सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाए। साथ ही जब तक ये डाउनलोड हो रहा है आपको एक नया टैब ओपन कर लेना है। नए टैब में आपको करना है VS Code ओपन। अब ये VS Code क्या होता है? VS Code एक कोड एडिटर है। जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो तो उसको आप कहीं ना कहीं एडिट करते हो। अब आप लोग बोलोगे क्या हम इसे नोटपैड में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड वे, ताकि आप प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से डेवलप कर पाओ, इसलिए हम कोड एडिटर का यूज़ करते हैं। तो क्या पाइथन के लिए सबसे बढ़िया कोड एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। समटाइम्स पाइचैम ज़्यादा बेटर है विजुअल स्टूडियो कोड से, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड का जो इंटरफेस है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, और साथ में आपको बहुत सारे एक्सटेंशंस देखने के लिए मिलते हैं इसके अंदर, इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ ही जाएँ। तो जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड फॉर विंडोज़, हम जो प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं वो आपका किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं होगा, डिवाइस पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपका जो ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि आप यहाँ पे मैक ओएस के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो, लिनक्स के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो। तो विजुअल स्टूडियो कोड आप डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। मेरा विंडोज़ है और मोस्ट ऑफ द यूजर्स विंडोज़ ही यूज़ करते हैं, तो मैं विंडोज़ के लिए इसे डाउनलोड करना स्टार्ट कर लूँगा और यहाँ पर दोनों ही फाइल्स मेरे डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेट्स वेट कि ये दोनों ही फाइल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएं। और हमारे दोनों ही फाइल्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी हैं। अभी हमें अपना एनवायरनमेंट सेटअप करना है और यहाँ पे देखना है कि क्या हमारे दोनों सक्सेसफुली रन हो रहे हैं या नहीं। तो पाइथन के कंपाइलर में आपको सबसे पहले करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जस्ट वेट फॉर सम टाइम और ये आपको यूज़र परमिशन लेगा। यूज़र परमिशन में आपको एग्री कर देना है एंड देन कंटिन्यू। यहाँ पे आपको ऐड टू पाथ में क्लिक करना है, यूज़ एडमिन में क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ में क्लिक कर देना है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम और यहाँ पे आपको आपका एडमिन स्टेटर का
परमिशन देने के लिए पूछा जाएगा। जस्ट वेट कि अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाए। और यहाँ पे आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है पाइथन। अभी बारी है आपके वीएस कोड की। वीएस कोड में आपको क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देना है। सेम प्रोसीजर है, आपको जैसे आप सिंपल कोई गेम इंस्टॉल करते हो उसी तरीके से आपको इन दोनों को अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर लेना है और फॉलो करना है सेम स्टेप। और जहाँ पे मैंने जो भी आपको बताया है उसी के हिसाब से आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको एग्रीमेंट को ओके करना है, नेक्स्ट में क्लिक करना है। जिस लोकेशन में ये डाउनलोड हो रहा है उसी लोकेशन में मैं इसे डाउनलोड होने दूंगा। नेक्स्ट में क्लिक करूंगा। यहाँ पे डू नॉट क्रिएट स्टार्ट मेन्यू फोल्डर, तो मैं नहीं चाहता इसलिए मैं इसे क्लिक नहीं करूंगा। और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको तीनों को ही अलाउ कर देना है और नेक्स्ट में क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स फॉलो की हैं और जैसा जैसा मैंने बताया वैसा ही सारी चीज़ें की हैं, तो आई एम डैम श्योर आगे आने वाली ट्यूटोरियल्स में जो भी मैं चीज़ें मैं आप करूँगा आपकी सारी चीज़ें एग्जैक्टली वैसी ही होंगी। लेकिन अगर आप कोई चीज़ मिस करते हो उसके ठीक बाद ही आपको कुछ ऐसा एरर्स देखने के लिए मिलेगा कि आप बोलोगे कमेंट्स में कि ये मेरे पीसी में वर्क नहीं कर रहा। तो अगर आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो की हैं तो 101% सारी अच्छे तरीके से काम करने वाली हैं। और यहाँ पे आपका वीएस कोड भी अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। लॉन्च में आपको क्लिक नहीं करना है और इसे फिनिश में क्लिक करके फिनिश कर लेना। अभी आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है अपने ही डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप में इसीलिए प्रेफर करता हूँ कि आप सामने सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हो। डेस्कटॉप में आपको, क्योंकि आप एक जार्विस प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपको यहाँ पे जार्विस नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। जार्विस के फोल्डर को आपको वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेना है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओपन कर सकते हो, ओपन विथ वीएस कोड की हेल्प से भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू आप कैसे करना चाहते हो। बेस्ड ऑन योर पीसी परफॉर्मेंस ये उतना ही फास्टर काम करेगा। और यहाँ पे मेरा फोल्डर ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे हम इस फाइल के अंदर, आपको यहाँ पे फाइल का ऑप्शन मिलेगा, फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है। मैं एक फाइल पे क्लिक करूँगा ताकि मैं एक फाइल क्रिएट कर सकूँ और चेक कर सकूँ कि मेरा जो कंपाइलर है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और इस पे लिखूँगा main.py। और अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पहला अपना स्टेटमेंट प्रिंट जार्विस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंटैक्स क्या है प्रिंट, ठीक है। प्रिंट किस लिए यूज़ होता है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ डिस्प्ले कराना होता है अपने आउटपुट में, तो उसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब इसे मैं यहाँ से रन करूँगा विथ रन पाइथन फाइल। अभी अगर यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपका भी ये आउटपुट आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कंप्लीट इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया है, इंस्टॉलेशन कर लिया है एंड नाउ यू आर गुड टू गो एंड रेडी ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से बना सको। तो आज हमने किया है इन्वायरमेंट सेटअप। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने इस सीरीज़ के सारे ट्यूटोरियल्स को बहुत ही क्लियर कट टू कट बनाया है ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ सके कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं।